अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, ठीक है। अब इसमें मटन को हम डाल दिए, अच्छा। तो गाइस आज हम आपको लेकर आ चुके हैं बिल्कुल एक नए से जगह पे, जहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाकर खिलाया जाता है मटन। और ये जो जगह है ना, इस जगह का बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रहा था। आप लोगों ने बोला था हमें कि भैया इस जगह में अगर कुछ बढ़िया सा होटल वगैरह मिलता है जहाँ पर बढ़िया मटन चिकन खिलाया जाता हो तो ज़रूर जो है दिखाना। फाइनली हमने वो जगह ढूंढ निकाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले जो हम आपको यहाँ का एड्रेस समझा देते हैं कि अभी हम आए कहाँ पे हैं। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े ना, इस जगह को बोला जाता है आपका खिलगांव चौक। और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पे आपका खिलगांव चौक पड़ जाता है। और इस साइड पे आप देखोगे तो इधर पे है आपका पुट्टी मोड़, जो कि लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और गाइस इसके ठीक अपोजिट साइड में आपका जो है मिलिट्री कैंपस है। और गाइस यहाँ पर जो है पहुँचने के लिए आपको गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आना कैसे वो हमने बता दिया आपको। अब एक बार आपको हम होटल दिखा देते हैं। तो ये चेक कर लो, ये है इनका होटल और होटल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा है, सारा डिटेल्स वगैरह। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका ये काउंटर है जहाँ पर सारा खाना वगैरह बनाकर रखा जाता है, और किचन एरिया भी एकदम फ्रंट में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मटन मैरिनेट करके रख दिया गया है। इस साइड पे जो है कढ़ाई चढ़ा दिया गया और काफी बढ़िया से गर्म हो चुका है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कढ़ाई का थिकनेस, चेक करो, बहुत ही मोटा सा कढ़ाई है। अब क्या डालने वाले सबसे पहले? पहले तेल, ठीक है। तो ये चेक कर लो गाइस, यहाँ पे जो है काफी अच्छे क्वांटिटी में सरसों का तेल डाल दिया जा रहा है। कितना सरसों तेल होगा ये? और यहाँ पे जो है सरसों तेल डालने के बाद सबसे पहले छौंक मारने वाले हैं, डाल दीजिए। तो ये चेक कर लो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो है सूखा लाल मिर्च डाल दिया गया। और गाइस जब जो है लाल मिर्च के बाद तेज पत्ता डाला जा रहा है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, ठीक है। कितना प्याज है अंकल जी? 2.5 किलो प्याज है 4 किलो मटन में। अच्छा, तो 4 किलो मटन में गाइस 2.5 किलो प्याज जो है डाल दिया गया है। इसको भूनते हैं, अब इसको ब्राउन करेंगे। अच्छा, तो ये चेक कर लो, अभी जो है सब कुछ डालने के बाद बढ़िया तरीके से जो इसको चलाया जा रहा है, तब तक जो है इसको भुना जाएगा जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब डालेंगे इसमें गोटा लहसुन। अच्छा, तो ये चेक कर लो गाइस, प्याज डालने के बाद जो है ठीक 2-3 मिनट बाद गोटा लहसुन डाल दिया गया है। और गोटा लहसुन जो है आदमी लोग बड़ा चाव से खाता है ना अंकल, मटन वगैरह में। हाँ, मांग मांग के हर ग्राहक लोग मांगता है लहसुन, हर ग्राहक लहसुन मांगता है। तो भाई यहाँ पे जो है मटन की रेसिपी आज हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक बार जो है जान लेते हैं कि रेसिपी का नाम क्या है। अंकल जी बताइएगा क्या नाम है इस रेसिपी का? चंपारण का स्पेशल कढ़ाई स्टू मटन। अच्छा, चंपारण का स्पेशल कढ़ाई स्टू मटन। जी बाप, मतलब कि नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है इस मटन का, है ना? हाँ, हंडी में तो बहुत जगह बनता है, यहाँ कढ़ाई इसको मटन से स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, तो कुछ नया जो है खिलाने का कोशिश है यहाँ पे, है ना? जी हाँ, बहुत अच्छा। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका, मटन डालने का टाइम हो चुका है। मटन, अच्छा, मटन डालेंगे और उसके बाद 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मटन को हम डाल दिए, अच्छा, और मटन डालने के बाद 1.5 घंटे में मटन तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो मटन डाले ये पहले से मसाला वगैरह डाल के मैरिनेट किया हुआ रहता है? हाँ। क्या क्या रहता है इसमें मसाला? जीरा, गोलकी, हल्दी, नमक, अच्छा, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, गोटा लहसुन, अच्छा, गोटा तजपत्ता, मिर्चा। ओके, तो ये सब डाल के कितना देर मटन को रखते होंगे? 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। अच्छा, 1.5 घंटे में तो ये तैयार हो जाता है। पाउडर वगैरह डालते हैं तो कितना देर रखते हैं ऐसे कच्चा मटन? आधा घंटा। तो यहाँ पे जो है गाइस आधा घंटा मैरिनेशन में मीट रहता है, ताकि बढ़िया तरीके से जो है मसालों का फ्लेवर मीट के अंदर जाए। और अब जो है इसमें डाल दिया गया, तो अभी कुछ मसाला वगैरह डालेगा? अब इसमें मसाला, गरम मसाला डालेंगे, गोटा गरम मसाला अपने से कूटा हुआ। ओके, तो ये चेक कर लो, यहाँ पे जो है हल्के मात्रा में जो है गोटा गरम मसाला का पाउडर डाल दिया गया। और मैं सच्ची पूरा सेम खा रहा है गरम मसाला का, बहुत बढ़िया। मतलब हम भी वही बोलने जा रहे थे कि जो गरम मसाला डाला है खुशबू बहुत जानदार है इसका। और गाइस जिस पे जो है ढक्कन लगाया गया था, और अभी लगभग आधा घंटा बाद ढक्कन को जो है हटाया जा रहा है। और भाई साहब ढक्कन हटा, और कुछ इस हिसाब से जो है अभी फिलहाल मटन का रंगत वगैरह जो है देखा, खुशबू बहुत लाजवाब से निकल के आ रहा है, ये देख लो।
तो मतलब मटन जब फाइनल रेडी होगा तब तक प्याज व्याज तो गल जाएगा पूरा। प्याज से ही, प्याज का भी पानी से मटन पक जाएगा। अच्छा, लास्ट में तो सब गल जाएगा, प्याज वगैरह सब प्याज वगैरह गल जाएगा, प्याज का पानी नहीं। तो इस साइड पे जो है मटन तो बनी रहा, थोड़ा बहुत जो है आप अपने बारे में और इस होटल के बारे में बता दीजिए सर। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश जायसवाल। और इस होटल के बारे में बताइए सर, कितना पुराना है, कितना टाइम हुआ इसको खोले? इसका तो एक हफ्ता हुआ अभी खोले हुए, न्यू ब्रांच है। अच्छा, बिल्कुल नया है। इसके अलावा मेरा एक और ब्रांच बूटी रोड में, अच्छा चंपारण चंपी के नाम से, अच्छा 5 साल पुराना होटल है। ओके, वहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका लगता है, इसीलिए दूसरा ब्रांच भी खोले हैं। टाइमिंग क्या है इस होटल का, कितने बजे खाना मिलना चालू हो जाता है? खाना 11:30 बजे से 12 बजे शुरू हो जाता है। कितने बजे तक सर्विस रहता है? रात को 10 बजे तक। 10 बजे तक रहता है। सप्ताह में कोई बंदी भी रख रहे हैं? कोई बंदी नहीं है, सातों दिन खोल रहे हैं। खोल रहे। ओके, बहुत बढ़िया। तो कोई नंबर वगैरह आपका, फोन नंबर यहाँ का? हाँ, फोन नंबर है यहाँ का, बताइए ना। 7274, ठीक है, 98, ओके, 68, अच्छा 54। और गाइस अभी जो है ढक्कन हटाया गया, और ढक्कन हटने के बाद मटन का रंगत वगैरह बिल्कुल चेंज हो चुका है। कलर वगैरह देखो कितना बढ़िया सा, और एकदम जो है रोगन वगैरह काफ़ी अच्छे से जो है ऊपर आ चुका है। मैं सच्ची बताऊँ ना, अरोमा जो है ना, खुशबू बहुत बढ़िया सा निकल कर आ रहा है। और अब जो है इसमें डालने वाले हैं गर्म मसाला का पाउडर, फिर से एक बार है ना डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो है दोबारा एक बार फिर से गर्म मसाला का पाउडर गया, अब बहुत बढ़िया सा खुशबू निकल गया है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये देखो कलर वगैरह आप चेक करो मटन का, कितना बढ़िया और जानदार सा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो है अभी मटन अपना बनकर हो चुका है रेडी, चूल्हे से दिया है उतार इसको, और कलर वगैरह दिखाएंगे आपको। रोगन वगैरह देखो कितना बढ़िया सा इसके ऊपर, मतलब चारों तरफ पूरा तैर और पीसेस वगैरह दिखाएंगे आपको। उठाइए तो भैया थोड़ा भर उठाइए ना, ये देख लो यहाँ पे गाइस, मटेरियल देख रहे हो, साइज वगैरह देख रहे हो, कितना बढ़िया सा दिख रहा है यहाँ पे। तो करना क्या है ना कि फटाफट इसको लगवाएंगे प्लेट में, करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे यहाँ पे जो कढ़ाई मटन स्टू बना है उसका स्वाद कैसा लग रहा है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है मटन बनाकर दे दिया गया, और काफ़ी बढ़िया तरीके से सजाया गया। एक बार जो है खाने से पहले आपको जो है मटन का रंगत वगैरह चेक कराते हैं, दिखाते हैं कि किस हिसाब से मटन वगैरह पका हुआ है। तो थोड़ा सा पास आ जाइए, और ये चेक कर लो गाइस, कुछ इस हिसाब का जो है मटन का रंगत है, मतलब कि रोगन वगैरह का क्या बोले, पूरा चारों तरफ जो है ना छलक रहा है। ये देखो बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, और पीसेस वगैरह दिखाएंगे हम आपको, तो काफ़ी शानदार सा पीस है। ये देखो साइज देख रहे हो, पूरा सीना वाला पीस है जिसमें चर्बी वगैरह भी लगा हुआ है। और ये चीज़ जो है ना जनरली हमारे को हांडी वगैरह में दिखने को मिलता है, लेकिन ये है आपका मटन स्टू, तो इसमें भी ये चीज़ कंपलसरी रहता है। एक बार जो ग्रेवी चेक कराते हैं आपको, ये देखो देख रहे हो रंगत, देख रहे हो कितना बढ़िया सा, मतलब एकदम नेचुरल, बहुत ज़्यादा ना ओवर लाल ना बहुत ज़्यादा पीला, बहुत बढ़िया सा कलर दिख रहा है यहाँ पर। चावल एक बार दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पर जो चावल मिलता है ये है आपका बासमती चावल लक्की भोग गोल्ड, काफ़ी फाइन क्वालिटी का चावल है। हाँ ये देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम गुलाबी गुलाबी सा मटन है, और हर एक पीस में जाना आपको बढ़िया सा चर्बी मिल जाना है। देख रहे हो, इससे क्या पता चलता है ना कि मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्रेवी को चावल पे डालते हैं, ठीक है, जब जब ग्रेवी अपने चला रहे ना तो खुशबू बहुत बढ़िया सा मेरे ख्याल से गर्म मसालों का निकल कर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से चावल ग्रेवी हो चुका है मिक्स, लेते हैं पहला निवाला और बताते हैं कैसा लग रहा है। एक बार बाइट लेते हैं, सबसे पहले जो है ना हम आपको मसालों के बारे में बता दें, सारा कुछ का फ्लेवर बहुत बढ़िया सा आ रहा है, इवन तीखा पूरा बैलेंस लेवल में है, नमक वगैरह मतलब सब कुछ परफेक्ट डाला हुआ है, कहीं से मसालों में कोई कमी नहीं है। और सबसे बढ़िया जो है ना इसमें फ्लेवर आ रहा है आपका गर्म मसालों का, जो दो बार डाला गया था बहुत ही अच्छा था, उसमें उसका एक अरोमा तो आ ही रहा है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया सा आ रहा है। फिलहाल जो है लहसुन वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना मेरा फेवरेट है, हालाँकि गर्मी के टाइम पर, बट टेस्ट के आगे भाई साहब सब चलेगा। ये देख लो कितना बढ़िया तरीके से गला हुआ है, पूरा एकदम हलवा हो चुका है, इसको फिर से जो है मिलाए, प्याज का क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था डाला गया था,
लग रहा था कहीं ना कहीं प्याज का मीठापन नहीं आ जाए, बट नहीं, प्याज का जो मीठापन है वो बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड है, तीखा भी बहुत अच्छा था। मटन देख प्रॉपर तरीके से गला हुआ, मतलब ना ही ओवर कुक्ड है और ना ही कम पका हुआ। और वैसे भी आपको और हमारे को इस एरिया में काफ़ी दिन से तलाश था कि एक मटन चावल का बढ़िया सा, मतलब प्रॉपर तरीके का होटल मिले जहाँ पे आप और हम जाके जो है मटन का स्वाद ले सके। तो फाइनली जो है वो सर्च अपना ओवर हुआ और हमने काफ़ी बढ़िया सा एक जगह ढूंढने का यहाँ पे। मटन मतलब ऐसा है ना, एक हाथ से टूट जा रहा है, दूसरा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये देख ऐसे पकड़ा, ऐसे फेरा, और एक मटन अलग हो जा रहा है। मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने आपको ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है बता दिया, बस एक चीज़ अभी तक नहीं बताया जो कि मेन पॉइंट है, वो है प्राइजिंग का। तो आपने यहाँ पे जो थाली देखी जो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे ना, तो ये जो है आपका 150 रुपीज़ का, जिसमें आपको मिलना है क्या, तो दो पीस मटन आ जाएगा। साइज़ आप लोगों ने देखा है कि कितना बढ़िया सा है, चावल जो है फाइन क्वालिटी का, मतलब इस रेट में इतना बढ़िया सा डील हमको नहीं लगता इस एरिया में आपको कहीं और मिलने वाला है। तो करना क्या है ना, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का मटन और चावल इंजॉय करना, तो फटाफट जो है यहाँ पे आइए, गूगल मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, क्लिक करना है, डायरेक्ट जो है यहाँ तक का आपको रास्ता मिल जाएगा कि आना कैसे है। फिलहाल करना क्या, प्लेट हमारा भरा हुआ है, थोड़ा चावल और मटन बचा है, करेंगे इस चीज़ को ख़त्म और इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पर। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो करना क्या, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह से खाने पीने से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल कुछ और कुछ नया लेके, तब तक लेके रहें, बाय।